हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसमें हम आपको सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे कि वाईफाई किस वजह से आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। खासकर आपने देखा होगा विंडो 10 में एक एरर आता है, कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क। यहाँ पर जब आप कनेक्ट करते हो, कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, जब आप कुछ कनेक्ट करते हो तो नहीं और वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो किन किन वजह से ये ऐसा होता है वो सारी वजह आपको इस वीडियो में बताएंगे, या उसका सोल्यूशन क्या होगा ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो ध्यान से जरूर देखें, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप वाईफाई के द्वारा अगर आप कोई कनेक्शन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड भी पता है आपको, सब कुछ पता है, आपने राउटर का सब कुछ पता है, तो आप जब यहां पर कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट करने के बाद आपका यहां पर लिखा आता है कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, तो वो क्यों आता है? ठीक है, वो इसलिए आता है क्योंकि आपका जो अडप्टर है, वाईफाई अडप्टर है, उसके जो ड्राइवर है वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेटिंग करने के लिए बताऊंगा, वो आपने करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आओगे, आप अपने इस नेटवर्क को फॉरगेट करोगे। ठीक है, फॉरगेट करने के लिए आपका क्या करना है, राइट करना है यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर फॉरगेट लिखा हुआ है। फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन जो है फॉरगेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि दोबारा कनेक्ट करना है इस चीज़ को, और दोबारा से आपका ये यूज़र नेम जो पासवर्ड है वो आपको मांगेगा, और जो है कि पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और ये कनेक्ट भी हो जाएगा। ऐसा आपको कोई यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होगी तो ऐसा फॉरगेट करने के लिए बताते हैं, और उसके बाद फॉरगेट करने के बाद आप कोई पासवर्ड डालते हो, वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए कनेक्ट हो पाएगा, और कुछ टाइम मतलब एक मिनट भी नहीं चल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने आप लिखा आ जाएगा कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क। तो ये एरर आपके जो वाईफाई का जो ड्राइवर है उसकी वजह से आता है। देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, अगर आप ध्यान पे देख, कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, हमने फॉरगेट भी कर दिया, पासवर्ड भी दोबारा डाल दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी आ रही है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि पासवर्ड गलत डाल दिया, पासवर्ड बिल्कुल भी गलत नहीं डाला है। दूसरा स्टेप क्या है, अगर आपका ये स्टेप करने के बावजूद भी नहीं कनेक्ट होता, वैसे ये टेम्परेरी स्टेप है, ये परमानेंट स्टेप नहीं है, तो आपने आना है यहाँ पर वाईफाई अडाप्टर में। अब वाईफाई अडाप्टर में कैसे आ जाता है वो भी बता देता हूँ आपको। आपने आना है अपने कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जैसे आप आओगे यहाँ पर, ठीक है, आपने थोड़ा यहाँ पर सर्च कर लेना है, हमारे कंप्यूटर में तो यहाँ पर है, आपके कंप्यूटर में देख लेना ये कहाँ पर आएगा। यहाँ लिखा होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा होगा चेंज अडाप्टर सेटिंग, चेंज अडाप्टर सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जितने भी अडाप्टर होंगे उनकी सेटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और आपने लैन केबल से तो अभी कुछ नहीं करना, लैन केबल जो है वो लैन से चलता है, वाईफाई का प्रॉब्लम आ रही है आपके लैपटॉप में तो उसका सोल्यूशन बता रहे हम। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसको डिसेबल कर देना है एक बार, ठीक है। डिसेबल करने के बाद ये डिसेबल हो जाएगा, देखो जो कि अब डिसेबल हो चुका है, और इसको वापस से अनेबल कर देंगे अब हम, ठीक है, अनेबल हो गया। अब हम यहाँ पर अपने वाईफाई में आएंगे, ये अनेबल हो चुका है, और अब हम वापस से यहाँ पर आएंगे अपने वाईफाई सेटिंग के अंदर जहाँ पर हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं, और अपने उस नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट करा, और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड वही डालना है जो करेक्ट हो। और यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल के नेक्स्ट किया, शायद कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। आपका यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है, पहले कनेक्ट एरर आ रहा था कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, और अब आपका ये कनेक्ट हो चुका है डिसेबल करने के बाद। लेकिन ये भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि यहाँ से आप सक्सेसफुली अपना इंटरनेट जो है वो चला पाओगे,
क्योंकि ये अभी तक जो है हमने परमानेंट इसको सोल्यूशन नहीं किया है। अनेबल और डिसेबल करने से क्या होता है, आपका एक बार जो अडाप्टर होता है वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। रीसेट होने की वजह से वो जो पुरानी सेटिंग में स्टोर हो जाता है और उसकी वजह से आपका कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको इंटरनेट पे एक्सेस करोगे, हम कुछ एक्सेस करके देख लेते हैं कि चला भी है या नहीं है। ये चल सकता है आपका, ये 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ऐसा कुछ चलेगा, इसके ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये। उसके बाद ये अपने आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा कि भी हाँ कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, या फिर इंटरनेट नहीं एक्सेस हो पाएगा। फिलहाल आपका इंटरनेट चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और हम कुछ प्ले करके देख लेते हैं, कुछ एक्सेस करके देख लेते हैं, जैसे इस पे लोड पड़ेगा, ठीक है, और ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम अपनी कोई वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। फिलहाल ये बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि हमने एक बार इसको अनेबल और डिसेबल कर दिया। फिलहाल तो ये चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि ये कितने टाइम के लिए चलेगा। ये कुछ टाइम बाद आपका डिसकनेक्ट भी हो सकता है। तो अगर हमारा कुछ टाइम बाद डिसकनेक्ट हो जाता है, कुछ टाइम बाद एरर आता है यहाँ पर कि कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, अब क्या करें? हमने दो स्टेप बताए आपको, पहले तो फॉरवर्ड का फॉरगेट करो, फॉरगेट का नहीं हो पा रहा है, फॉरगेट से नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर आके इसको अनेबल और डिसेबल कर लो। अनेबल और डिसेबल करने के बाद आपका कनेक्ट हो गया है। यदि इसके बाद भी एरर आता है, अब क्या करें? अब आपने यहीं पर आना है, वाईफाई अडाप्टर में ही आना है। तो यहाँ पर आपने आना है और प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में आप आओगे, प्रॉपर्टी में आपने जाना है। तो यहाँ पर ये जो विंडो खुली है, इसमें नीचे लिखा होगा, यहाँ पर आपके अडाप्टर का नाम होगा, जो भी आपका नेटवर्क अडाप्टर है आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर कन्फिगर पर आपने क्लिक करना है, कन्फिगर पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कन्फिगर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके अडाप्टर की विंडो खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपने जाना है ड्राइवर में। जैसे आप ड्राइवर में जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा होगा सबसे पहले ड्राइवर डिटेल, आप ड्राइवर डिटेल चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट ड्राइवर, ठीक है। तो आप अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली अपडेट पे आपने क्लिक करना है, लेकिन शर्त यह है कि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो आपका ये अपडेट हो पाएगा, ठीक है। तो आप लैन से या कोई किसी अदर सोर्स से आप पहले अपने कंप्यूटर में लैपटॉप इंटरनेट चलाएं, उसके बाद आप इसको अपडेट करें। लेकिन ये अपडेट करने पे भी कई बार आपका नेटवर्क जो है पूरी तरह से नहीं चल पाता है। फिलहाल तो ये बता रहा कि ऑलरेडी अपडेटेड है, मैंने अभी सब कुछ करके देख लिया, अपडेट भी करके देख लिया मेरा लैपटॉप, और यहाँ पर अनेबल डिसेबल भी करके देख लिया है। और कुछ टाइम बाद ये 10 या 15 मिनट बाद फिर वापस से वही प्रॉब्लम आ जाती है। फिलहाल तो ये चला हुआ है और नहीं चला हुआ, अब आई थिंक ये रुक गया है, इतना ही चलता है। देखो जितने मैंने अभी आपसे बात ही कर रहा था वीडियो के अंदर, और इस दौरान ये रुक गया है, देखो आगे नहीं चल पा रहा है, चाहे किसी वीडियो पे क्लिक कर लेना या कुछ भी कर लेना तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है? तो यहाँ पर जो ये आपका नेटवर्क सिग्नल है, ये जो है इसको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, लेकिन यहाँ पर सिग्नल तो पूरे हैं, सब कुछ है, कनेक्टेड भी है, लेकिन आपका इंटरनेट देखो नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखो अब आपका ये मैसेज भी आ गया, नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। हमने आपका ड्राइवर भी अपडेट है हमारा, ऑलरेडी अपडेटेड लिखा रहा है, और हमने अनेबल डिसेबल भी कर लिया, फॉरगेट भी कर लिया, और उसके बावजूद भी यहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे हम, और ये डिसकनेक्ट हो गया था, तो दोबारा से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो सिग्नल भी इसके जा चुके एक तरह से, और यहाँ पर अब ये कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क आ जाएगा लिखा हुआ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपका जो लैपटॉप के अंदर वाईफाई एंटीना होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, या तो उसकी वायरल यूज़ हो चुकी है, या आपका जो लैन कार्ड है यानी जिसको आप वाईफाई कार्ड बोलते हो वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम एक बार देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के लिए सबसे पहले हम आपको वीडियो पॉज कर देते हैं और मैं बता देता हूँ कि लैपटॉप कैसे ओपन करते हैं। ये हमारा वही लैपटॉप है और इसको अब हम ओपन करके दिखाएंगे। ओपन करने से पहले आप श्योर कर लें कि आपका जो लैपटॉप है प्रॉपर से शट डाउन हो चुका है, आपने अडेप्टर भी हटा लेना है, और अब आप इसके वन बाय वन सभी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके ये सारे स्क्रू ड्राइवर जो हैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने सभी जो है हमारे स्क्रू ओपन कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो,
ये सारे स्क्रू निकाल दिए हमने। अब आप इसको ओपन करोगे। ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले ये आपका डीवीडी रोम जो होता है ऐसे खींच कर, ठीक है, ऐसे खींच कर बाहर निकालना, और केयरफुली आप अपना काम करें, डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने इसके लॉक खोलने हैं, यहाँ पर कुछ लॉक्स होते हैं, और लॉक खोलने के लिए आप ज़्यादा इतने भी लॉक नहीं होते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। आप किसी कार्ड का यूज़ करोगे लॉक खोलने के लिए? मैं एक मिनट कार्ड ले लेता हूँ। ये कार्ड है हमारे पास, एक आम आधार कार्ड या कोई और भी कार्ड हो सकता है। आप ये यहाँ पर ऐसे डालोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप ऐसे डालोगे और ये खुल जाएगा। और ऐसे आपने कर देना है, उसको इधर आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। ऐसे आप नीचे करोगे इसको, और ये खुल गए हैं। आप देख पा रहे हो आपके ये लॉक खुल चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक आधा जो लॉक रह गया, एक दो, आप उसको हाथ से भी ओपन कर सकते हो, कोई स्क्रू ना लगाओ, ये आप चेक जरूर कर लें कि कोई स्क्रू ना रह गया हो आपका। बस और ये हमारा खुल गया, ठीक है। ये खुल गया हमारा, ठीक है। हमने इसमें SSD लगा रखी। अब आप यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे कि वाईफाई कार्ड है कहाँ पर है, ठीक है। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही वाईफाई कार्ड होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक, ये वाला, ये हमारा वाईफाई कार्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, और ये इसके एंटीना की वायर होती है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यहाँ पर एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में कुछ एरर तो नहीं है इसके अंदर, कोई हिली हुई है कुछ ऐसा, ठीक है। चेक करने के लिए आप एक बार इसको प्रेस कर देंगे, मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़रा सी हीली हुई थी, ज़रा सी, ठीक है। क्या पता इसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। केयरफुली करना है आपने, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप किसी टेक्निक को दिखाएं, क्योंकि अगर आपने इसके लॉक यहाँ से कुछ हटा दिए या कुछ टूट गया आपसे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो सके तो एक बार इसको आप, हाँ हिली हुई है ये हमारी वायर जो है, ये हिली हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वाली वायर हिली हुई है, ठीक है। मैंने जैसे ही हाथ लगाया निकल गई है, चलो इसको भी लगाना बताएंगे अभी आपको। हो सके तो एक बार आप इसको कार्ड को निकाल लेंगे, ठीक है। ये ऐसे हमने तार हटा दी, और इसको कार्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रू दिया होता है, आप इसको यहाँ से आराम से ओपन कर लेंगे। कार्ड को एक बार निकाल के, ठीक है, साफ कर लेंगे आप किसी उससे, तो मैंने साफ कर लिया। साफ करके वापस से लगाएंगे, जैसे निकाला था आपने ऐसे ही इसको लगाना है, ठीक है। कोई गलत पोजीशन में ना लगा देना ना निकालना, ठीक है। आपको एक बार इसकी पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये निकला कैसे था और लगा कैसे था, ठीक है। कभी आप गलत पोजीशन में लगा दो इसको, स्क्रू लगाएंगे अब। वैसे तो गलत पोजीशन में लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी लग जाता है कई बार।
तो ये हमने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया। अब ये जो लॉक निकाले थे हमने, ये वाले, अब ये बिल्कुल केयरफुली लगाने हैं आपने। जहाँ पर जौन सी वायर लगी हुई थी वही वाली लगानी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको है ना इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से रखना है इसको, इसके ऊपर रखना है पॉइंट के ऊपर, और हाथ से दबा देना है आराम से, तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसको दूसरे वाली को, तो एक लॉक लगने की आवाज़ आएगी जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमने जो तार निकाली थी वो लग चुकी है, ठीक है। और ये लग चुकी हैं दोनों, और कोई छिड़कानी नहीं करनी है आपने, बस इन दो चीज़ों को देखना था। कार्ड एक बार आप निकाल के दोबारा लगा दोगे, और ये जो लॉक लगे हुए थे यहाँ पर, जो ये एंटीना की वायर लगी हुई थी, इनको एक बार आप चेक कर लोगे हटे तो नहीं, ठीक है। हमारे यही हिल रहे थे तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा वाईफाई जो है अब कनेक्ट हो रहा है, क्या हमारा जो वाईफाई जो अब चल पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लैपटॉप आप बंद करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम बंद करना है आपने, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल आपने बंद करना है, जैसे खोला था ऐसे ही आपने एज इट इज इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये हमने बंद कर दिया, मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको। स्क्रू बाद में लगाएंगे हम, पावर बटन प्रेस करेंगे। पावर बटन प्रेस करते ही यहाँ पर एक विंडो लोड होगी, और पावर बटन प्रेस, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने जो वाईफाई कार्ड होता है उसको एक बार निकाल के दोबारा लगाया है, और जहाँ तक मुझे शक है कि मेरी एक वायर जो है वो हिली हुई थी, वो मैंने दोबारा से लगा दी है। दोनों वायर को आप चेक कर लेंगे, वाईफाई कार्ड को एक बार आप निकाल के दोबारा से लगा देंगे, और फिर अब हम चेक करते हैं। मुझे श्योरिटी है कि मेरा जो इंटरनेट है वो 100% चल पाएगा, तो हम देखते हैं कि जो हमने टेक्निक अपनाई है वो कामयाब होती भी है या नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर वाईफाई की साइड, वाईफाई तो पहले से ही कनेक्ट है, हमने तो कनेक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। देखो हमारा जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये वही पासवर्ड है, वही नेटवर्क है, कोई अदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है वाईफाई तो कनेक्ट हो चुका है, अच्छी बात है। क्या ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, पहले देखो मैंने आपको दिखाया था कि ये इंटरनेट जो है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस करने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, कि सेम वही प्रॉब्लम है। तो हमने किसी भी कोई यूट्यूब पेज चले जाते हैं, क्योंकि जैसे इस पे पहले लोड पड़ता था ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता था, ठीक है। अब हम कोई वीडियो प्ले करके देखते हैं, फिलहाल तो ठीक चला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो ही है इसके अंदर। प्ले लिस्ट में जाते हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर की सारी वीडियो आ जाएंगी, यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उनका। और फिलहाल ये जो है सारी वीडियो जो है चली हुई है बिल्कुल ठीक ठाक, कोई इंटरनेट आपका नहीं रुक रहा, बिल्कुल सही चली है। ये हार्डवेयर की वीडियो है, ठीक है। कोई और देख लेते हैं, कोई और प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये भी चली हुई है, ठीक है। और यानी यहाँ पर प्रूव ये हो रहा है कि हमारा इंटरनेट जो है वो एक्सेस हो रहा है। आप चाहे जो मर्जी, आप कोई वेबसाइट सर्च करनी है आपने, या कुछ भी वीडियो देखनी है, या गाने सुनने हैं, इंटरनेट के एक्सेस जिस प्रकार से आप कर पा रहे हो, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, ठीक है। यानी जो हमने टेक्निक अपनाई वो हमारी 100% जो है सक्सेस हो चुकी है। पहले ये इतना नहीं चलता था, और अब कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, ठीक है। एक बार आपका कनेक्ट हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर। मैंने टेक्निक बताई है, मैं एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या करना है यदि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपने नेटवर्क पर आना है, नेटवर्क पर आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको फॉरगेट कर देना है, ठीक है। फॉरगेट करके आप दोबारा कनेक्ट करोगे तो आपके यहाँ से भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से प्रॉब्लम आपकी सोल्व होती है तो आपको आगे के स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर मैंने बताया था कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद ठीक है, आप यहाँ पर शेयरिंग एंड नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे। शेयरिंग सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होता है चेंज अडाप्टर सेटिंग। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर वाईफाई का एक अडाप्टर मिल जाएगा आपको, फिलहाल तो एक कनेक्ट है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक बार डिसेबल करके डिसेबल कर देंगे, और ये डिसेबल हो चुका है, और फिर वापस से इसको आप अनेबल कर देंगे। तो ऐसा करने से भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे के स्टेप करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है, ये डिसेबल है तो आप इसको अनेबल करेंगे, अब ये अनेबल हो चुका है। तो यदि आपका यहाँ से भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप वाईफाई अडाप्टर पे वापस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर पे जाना है। कॉन्फ़िगर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक आपके जो अडाप्टर की विंडो है वो खुल जाएगी। यहाँ पर आपने ड्राइवर पे जाना है, ठीक है। ड्राइवर पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पे आपने क्लिक करना है, लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर पहले नेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप अपडेट ड्राइवर कर देते हो तो आपको ये यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम जो है 50% या 60% जो है सोल्व हो जाती है। लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, यदि आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपने फॉरगेट भी कर दिया, अनेबल डिसेबल भी कर दिया, और ड्राइवर का जो है वो अपडेट भी कर दिया, अपडेट करने के बावजूद भी आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो भी वाईफाई से, ठीक है। वो भी देखो, ज़रूरी नहीं है ये इसी नेटवर्क से कनेक्ट प्रॉब्लम आएगी, आपका कोई भी अदर कोई नेटवर्क होगा वाईफाई का उसमें सेम प्रॉब्लम आएगी, यदि आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपका यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही है, तो अब आपको जो मैंने अभी लास्ट बताया है, आप अपने लैपटॉप को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपने नेटवर्क कार्ड फाइंड करना है, अपना वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड का मैंने दिखा दिया कि इस प्रकार दिखता है आपको, और वहाँ पर दो एंटीना की वायर होती हैं, आप उनको एक बार निकाल के दोबारा लगा दें, और आपने कार्ड को भी एक बार निकाल के दोबारा लगा दें, और फिर आप चेक करें आपका जो है 100% ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होगी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको बताया है वो आपको ज़रूर बेनिफिशियल रहा होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।